हमीरपुर से अणु बड़ू बल संपर्क मार्ग के बीच घनाल गांव में दो परिवारों की आपसी लड़ाई के चलते सड़क तंग हो गई थी और सड़क पर से बड़े वाहन तक नहीं जा पा रहे थे। मसले को हल करवाने के लिए दोपहर को पटवारी पीडब्ल्यूडी की जेई भी आए, लेकिन एक महिला के द्वारा घर के साथ लगाई बाड़ को नहीं हटाने पर अधिकारी वापस लौट गए। गांव में एक महिला के द्वारा सड़क किनारे बाड़ लगाए जाने से सड़क तंग हो गई थी, जिसके चलते बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्णतया बंद हो गई थी। घनाल के पास जगह कम होने के चलते पिछले 5 दिनों से बाधित थी, जिसकी वजह से लोगों को हमीरपुर पहुंचने के लिए पैदल आवाजाही करनी पड़ रही थी या फिर टैक्सी का किराया देकर शहर आना जाना पड़ रहा था। हालांकि इस मसले को हल करवाने के लिए अणु और बल दोनों पंचायतों के महिला मंडलों के साथ ग्राम पंचायतों के प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे और मौके पर पटवारी लोक निर्माण विभाग के जई ने भी पहुंचकर समस्या को हल करवाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे पक्ष की महिला के द्वारा घर के साथ लगी बाड़ को हटाने से मना कर दिया गया, जिस पर प्रशासन के नुमाइंदे वापस लौट गए। लेकिन बल और घनाल के महिला मंडल की महिलाओं ने एक तरफ रखी एक और दूसरी तरफ बाड़ को हटा दिया। इस अवसर पर महिला मंडल बल की प्रधान कुशला देवी और शीला देवी के अलावा बल पंचायत प्रधान प्रकाश चंद, अणु पंचायत प्रधान वंदना कुमारी भी मौजूद रही। कर दिए इन्होंने बाढ़ और इंटों की वजह से। हमने भी पीछे बड़ी मिलकी की जमीने दी हैं, तो हम भी गाड़ी आना जाना चाहते हैं, सुविधा लेना चाहते हैं। बुजुर्ग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे जाते हैं, वो बस बंद कर दी गई है और मेन वजह ये बाढ़। तो क्या बोलती है दूसरी पार्टी जिन्होंने बंद की है, क्या बोल रहे? मैं नहीं उठाऊंगी। तो अब क्या ग्रामों का दो पंचायत आई ईंटों को भी हटा रहे हैं और महिला मंडल जो है बाढ़ भी उठा देगा, बाढ़ भी उठाएगा और ईंटों को फेंक रहे हैं। अगर फिर भी नहीं माननी है लेडीज तो मानना पड़ेगा इनको। जहाँ महिला मंडल आए दोनों गाँव के, बल पंचायत का महिला मंडल आया, गांव पंचायत का महिला मंडल आया है, तो उन दोनों को बुलाया हमने रिक्वेस्ट करके कि हमें बात सुविधा दी जाए। सर दिया कोई व्हीकल नहीं आ रहा, सारा व्हीकल बंद हो ही रहे। एक लेडी जी उस वजह से सारी बसा बंद, छोटे बड़े व्हीकल कोई भी आंदा समान बंद हा। फिर प्रशासन आया, उन्हें भी नहीं कुछ किया, महिला मंडल दो बल दा कनाली दा, फिर आया एक्सल ले भाई नाली नू ही ना कुछ कहो, अहां दा रोड खोल ना, अहां दा 5 साल हो बस सरकार गे चली दिया, अहां जो सुविधा कोई नहीं। सियाने आने 300 रुपया खर्च गया है मीरपुर दा, बस गड्डियां करने आंगे घर जो ये समस्या ही अहां दी दा। मौके पर प्रशासन कौन कौन आया था, कौन आया था मौके पर? शायद तहसीलदार होने ताली मैं नहीं थी, तहसीलदार होने फेरी पटवारी होने सारा महकमा होना, वो भी कुछ नहीं पाए कर पाए। लेडी जे की ये बहुत खराब है, 100 महिला ही उनको भी वो डंडे पानी सुट दिया, यहाँ पर रोड आंद बंद था खोले मौके पर ऊन खुटाया, चाहे 5 दिन ते रोड बंद था, हाँ सरकारी बस का दी 5 साल हो चली दी है। ये रोड बंद किया हुआ था सर, इसके जो रोडी पड़ी हुई थी बजरी इसकी लुक वो भी उन्होंने आगे बाढ़ करके बंद कर दिया था, तो बस के 2 दफा तो शीशे टूट गए, प्रशासन की बस नहीं आ रही थी, दुनिया इसमें बहुत तंग हो चुकी थी। लेडीज है मानती नहीं किसी को, किसी की बात नहीं मानती है, तो 2 महिला मंडल इकट्ठा होके घनाल का और बल का, तो इसका हमने सोची इसे निकाल दिया कि हमने रोड खाली करवा दिया दोनों साइडों से। हाँ जी नहीं मैं नहीं ऐसा नहीं मैं ऐसा करूँगी, गाली भी देती है और ऊपर से फोटो ले रही है और पानी फेंक रही है। ये लेडीज बोलती क्या बाढ़ क्यों लगाई सड़क? बाढ़ बोलती मेरी आगे इधर को है मेरी जगह, तो मैंने बोला ठीक है इधर को है, आप तो ले सकते हैं अपना पटवारी लगाओ, तहसीलदार लगाओ, एल कमीशन लगाओ, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, मगर जो रोड है उसको क्यों बंद कर रहे हो? सारे दुनिया उसमें तकलीफ उठा रही है, बुजुर्ग लोग हैं पैदल नहीं चल सकते, चलो बस लगाई हुई है गवर्नमेंट की तो चलो भाई उसमें सफर करें, तो वो कितने दिन हो गए सुनवाई नहीं कर रही थी इस बात की। दोनों महिला मंडल इकट्ठे थे किनार और बल के, और हमने दोनों तरफ से ईंटें और पत्थर उठाए बाढ़ हटाए, और समस्या आ रही थी कि बस आ रही थी और बस मतलब दो बार से
बस निकलती थी, तो जो हमारा प्रशासन है वो भी, उसने भी अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए थे। जो बस है, जो परिचालक चालक को इतनी समस्या आती थी कि बस का दो बार शीशा टूट गया, और उसके बावजूद उन्होंने कंप्लेंट अपने ऑफिस में की। फिर दो गांव की दोनों गांव की बल ऑर्गेनाइज की लेडीज़ ने ये डिसीजन लिया कि इस बाढ़ को उखाड़ कर साइड में कर दिया जाए, ताकि हमारी बस जो है वो यहाँ से तीन टाइम जाती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, तो वो निकल सके। क्योंकि अगर हमारी बस नहीं निकलेगी तो हमारे कई ऐसे मतलब घर में जो है मतलब जेंट्स नहीं रहते हैं, तो कई लेडीज को बाजार में कई बार दवाई लेने जाना पड़ता है, ये सब्जी के काम से जाना पड़ता है, तो उनके लिए जो है वो यही एक साधन है ट्रांसपोर्ट का कि ये बस आती है। और हमारी लेडीज जो है वो मतलब बुजुर्ग जो है इसका मतलब इस रूट को भी सफल बनाया हुआ है, क्योंकि तीनों टाइम हमारी बस बिल्कुल भरी हुई जाती है। तो इसलिए आज दोनों गाँव की लेडीज ने, महिला मंडल ने और जो भी हमारे पंच प्रधान है, और उन्होंने मिलकर इस बाढ़ को साइड में कर दिया, ताकि हमारा बस का रूट जो है वो चला रहे, इस वजह से बंद ना हो। ये भी चाहते हैं कि ये बस जो है वो पार्क बाया कॉलोनी तक की जाती है, उससे आगे भी बाया अणु से होकर हमीरपुर तक जाए, तो इसलिए आगे भी कई रोड बंद हुए, उन्हें भी मतलब प्रशासन जो है खुलवा सकता है। तो यही मैं अपने शब्दों से